लेसन नंबर 13, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक हेयर इज सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है आपका स्टूडेंट्स? सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है? सिंपल क्लोज कर्व वो होता है जिसका सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो और सेम एंडिंग पॉइंट हो। ये पॉइंट है, इसका नाम दे दे रहा हूँ जेड। तो ये जो कर्व हुआ यहीं से स्टार्ट हुआ और आके वापस इसी पॉइंट पे मीट कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, वही पॉइंट जो था इसका एंडिंग पॉइंट था। स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम एज एंडिंग पॉइंट, सो इसको हम कहेंगे क्लोज कर्व। क्या कहेंगे इसको? क्लोज कर्व। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो कर्व है ऐसे गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर इसको क्रॉस करके यहाँ पे जाके वापस मीट कर गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कर्व है ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल क्लोज कर्व नहीं कहेंगे। सिंपल क्लोज कर्व इसको हम लोग नहीं कहेंगे। वेयर एज दिस कर्व स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, इट गोज़ हेयर एंड देयर एंड आफ्टर दैट इट मीट्स एट दिस पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे आके मीट कर देता है। तो इसको हम लोग स्टूडेंट्स कहेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व, इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, इसको किसने नहीं कह रहे क्योंकि यहाँ पे ये आके स्टूडेंट्स ओवरलैप कर दे रहा है। अब योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेरीमीटर। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेरीमीटर। सपोज करिए दिस इज़ योर रेक्टेंगल ए बी सी एंड डी। डी सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ए बी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है और ये आपका 3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड्स का जब हम सम निकालते हैं, ऐड कर देते हैं उसको, तो वो हम उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो ये वाला 4 सेंटीमीटर प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, 4 प्लस 4 8, 8 9 10 11 12 13 14, पेरीमीटर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड्स का हमको सम निकालना है। अब इसको हम लोग एक और फार्मूला भी लगा सकते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस b, वेयर l इज लेंथ एंड b इज ब्रेथ। ओके, सो 2, लेंथ कितनी दी हुई है यहाँ पे 4, ब्रेथ कितनी है 3। सो बाय बॉडमास रूल वी विल सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट, 4 प्लस 3 7, एंड ये आपका मल्टीप्लीकेशन है, तो 7 2 14 सेंटीमीटर, ऐसे भी आपका 14 सेंटीमीटर आएगा, और इस तरह से करेंगे तब भी आपका 14 सेंटीमीटर ही आएगा। तो बेसिकली पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड्स को हमको ऐड करना होता है। ठीक है, जब हम सारे साइड्स ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल आएगा। नाउ स्टूडेंट्स कम टू एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज कर्व। तो ये सिंपल क्लोज कर्व है, ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, दिस इज़ ऑल्सो योर सिंपल क्लोज कर्व, बट दिस इज़ नॉट योर सिंपल क्लोज कर्व, बिकॉज हेयर यू कैन सी दैट दिस इज़ नॉट, दिस इज़ ओवरलैपिंग। ये जो साइड में यहाँ से ओवरलैप कर रहा है, यहाँ से ओवरलैप, यहाँ से ओवरलैप, सो इसीलिए ये आपका सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा। नाउ स्टूडेंट्स कम टू प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, तो ये आपकी स्टूडेंट्स फिगर बनी हुई है ए बी सी डी, 7 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला क्या निकालना है इसमें? पेरीमीटर। तो मैंने बताया था कि पेरीमीटर मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड, सारे साइड्स को ऐड कर देंगे, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, सारे साइड्स को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं, 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 2। ठीक है, 5 प्लस 2 7 7 प्लस 7 14 15 16, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह आपको सारे सवाल जो हैं वो करने होंगे। यहाँ पे सिंबल सेंटीमीटर है, इसको लगाना मत भूलिएगा। दूसरी चीज़, मेक दिस फिगर विथ पेंसिल। किससे बनाना है इसको? आपको पेंसिल से बनाना है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स कम टू प्रॉब्लम नंबर 4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस इज़ योर रेक्टेंगल ए बी सी डी, 6 6 5 एंड 5। फार्मूला क्या होता है?
पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू सम, मतलब ऐड करना होता है ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड्स को हमको ऐड करना होगा। सो 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 10 22 सेंटीमीटर, एंड दिस विल बी स्टूडेंट्स योर आंसर। सो ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। ओके, द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स वी विल कवर इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो लेक्चर। थैंक यू।